अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अपने लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द बॉडी सेक्शन एंड द बॉडी सेक्शन जो हमारे पेज का होता है, एंड हमने देखा था व्हाट इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा था। और जो कि हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो HTML और बॉडी टैग के दरमियान हमारे पास हेड टैग होता है। तो हेड टैग का हमने इससे पहले जो लेक्चर्स में देखा है, प्रैक्टिकल डेमो भी किया है उसका, तो उसमें हमने ये देखा कि ये जो हेड टैग है एक्चुअली इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो विद इन द बॉडी ऑफ द पेज डिस्प्ले नहीं होती है, सिवाय इसमें जो टाइटल है, टाइटल ऑन द टाइटल बार जो हमारे ब्राउज़र का होता है वहाँ पर दिखता है। तो उस बारे में ये तो हम लास्ट वाले डेमो में कर चुके हैं एक्चुअली, जो हमारा हेडिंग सेक्शन का डेमो था। तो आज एक्चुअली डेमो है बॉडी सेक्शन का। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक पेज तो बना के रखा है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारा ऊपर, डॉक्यूमेंट टाइप एंड देन HTML देन हेड एंड द बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन जो स्टार्ट हमारा हो रहा है यहाँ से, एक्चुअली हमारा जो काम है हम काम इसी पे करेंगे, हमारी बॉडी सेक्शन पे ही मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है वो हम यही देखेंगे कि बॉडी सेक्शन में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो बॉडी सेक्शन में हमारा जो कंटेंट होता है वो वाला कंटेंट जो हमें पेज में, पेज की बॉडी में डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इस वाले HTML पेज का ये जो व्यू है ये है यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। तो अभी क्योंकि बॉडी सेक्शन में, देखिए बॉडी सेक्शन में कुछ नहीं है सिवाय एक कॉमेंट के, कॉमेंट्स जो है डिस्प्ले नहीं होते हैं, कॉमेंट्स फॉर रीडेबिलिटी ऑफ द कोड होता है। तो बाकी हमारा जो भी कोड हो एक रीडेबल हो, बाकी फॉर द फ्यूचर यूज़ भी अगर हमें इस पर कुछ काम करना हो तो हम समझ सके कहाँ कौन सी चीज़ें की गई हैं। तो यहाँ पर अभी क्योंकि बॉडी पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे ये जो पेज हमारा है खाली है। सपोज आई राइट हियर समथिंग, वेलकम टू द पेज। ठीक है, तो मैं इसको सेव करके यहाँ से अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से हमारा टेक्स्ट आ रहा है वेलकम टू द पेज। जैसे कि हम इससे पहले ही बताते आ रहे हैं कि ये बॉडी सेक्शन में जो भी कंटेंट होगा, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, इमेज फॉर्म में हो, या वीडियो के फॉर्म में हो, या एक टेबल हो, बहुत सारी चीज़ें, एक लिस्ट हो सकती है, हम वो देखेंगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, कौन सी टैग्स एलिमेंट्स हमारे पास पॉसिबल है। तो यूँ ही बॉडी में कोई डेटा कंटेंट हम एंटर करते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाता है हमारी पेज की बॉडी पर। ठीक है, तो अभी एक्चुअली आज हमें जो चीज़ें सीखनी हैं वो है अबाउट हेडिंग्स। तो हेडिंग्स क्या होती है, जब भी हम अपने किसी भी वेब पेज में होते हैं तो हमें, सपोज हमारा कंटेंट है अबाउट दिस कि मैं बता रहा हूँ कि मैं किस बारे में कोर्स करा रहा हूँ, सपोज HTML के बारे में, तो HTML में बात करेंगे पहले, आज बात करेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर एक हेडिंग है, स्ट्रक्चर के अंडर आएगा कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं HTML की। दैन उसके बाद बात करेंगे कि हेड सेक्शन है, तो हेड सेक्शन एक हेडिंग बन जाएगी, तो वो जो वो टेक्स्ट जो थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी टेक्स्ट से, ठीक है, तो उस चीज़ों को हेडिंग बोलते हैं। तो एक्चुअली हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर हमें टैग है, तो हेडिंग्स के लिए, हेडिंग के लिए हमारे पास टैग्स है जो कि H1 से स्टार्ट होके और ये हमें क्लोज भी करने होते हैं। H1, वी हैव H2, वी हैव H3, वी हैव H4, वी हैव H5 एंड एट लास्ट और नॉट द लीस्ट वी हैव H6। तो पूरे हमारे पास जो है 6 टैग्स है हेडिंग के, H1 से लेके हमारे पास H6 तक जो है टैग्स है। ठीक है, तो हम इनको, इनका जो तरीका है सीधे सिंपल, जैसे हम लिखते हैं स्टार्टिंग टैग एंड दिस इज़ अ स्टार्टिंग टैग, ये H1, जैसे हम पहली बार या तो कैपिटल लिखा होता है या पूरा स्मॉल, यहाँ पर हम स्मॉल यूज़ कर रहे हैं तो हमने स्मॉल में लिखा H और 1 न्यूमेरिक 1 एंड देन इसको क्लोज करना है फिर टैग को। ऐसे ही हर एक टैग जो हमारा है ओपन होने के बाद ओबियसली क्लोज हो जाएगा।
तो ये जो हमारे पास 6 टैग्स आ गए H1 से स्टार्ट लेके H2, H3, तो ये एक्चुअली H1, H2 इन में डिफरेंस क्या है? इन डिफरेंस ये है कि H1 का जो टेक्स्ट है वो ओवरसली बड़ा आएगा, एंड जितना हम नीचे नीचे जाते रहेंगे H2 पे वो थोड़ा उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, और H6 का जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटा आ जाएगा, उससे सबसे छोटा इनमें से। तो विल डू अ डेमो हियर, हम डेमो में देखेंगे कि कैसी चीज़ें आ रही। तो यहाँ पे हेडिंग 1 और यहाँ पे हम हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5 और हेडिंग 6। तो ये हमने 6 हेडिंग्स लिखी यहाँ पे, 6 हेडिंग्स है हमारे पास, हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर हम इसको सेव करें और यहाँ पे हमारा पेज रिफ्रेश करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें आ रहे हेडिंग 1 सबसे बड़ा, जैसे हम बोलते हैं हेडिंग 1 जो है, H1 जो है सबसे बड़ा ये टेक्स्ट आएगा, सबसे बड़ी हेडिंग है। तो H2 उससे छोटा आ रहा है, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 और H6। तो ये डिसेंडिंग जितने ये नीचे नीचे जा रहा है तो छोटा हो रहा है टेक्स्ट जो हमारा है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, तो जो इसको मैं अगर एनलार्ज भी करूँ पेज को तो ये देखेंगे H1 हमारे पास बड़ा है लेकिन H2 उससे छोटा, और जितनी हमें हेडिंग आगे आगे हम जाएंगे तो हमारी हेडिंग्स जो है वो छोटी होती जा रही है। तो एज़ पर आवर यूज़ हमारी यूज़ क्या होगी हमारे प्रोग्राम में, हमारी इस पेज में या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस तरीके का हम हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें यूज़ करना होता है, मोस्टली एक डिज़ाइन प्रॉपर्टी है, वो एक अच्छी चीज़ है अगर हम वो करें कि अगर मैं कहीं पे H1 यूज़ कर रहा हूँ तो उसके बाद अगर मुझे उससे छोटा यूज़ करना है तो बेटर कि H2 में यूज़ करूँ ना कि H3, ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे और एक इससे जो रीडेबिलिटी भी अच्छी बनती है और हमारा डिज़ाइन जो पेज का वो भी अट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं पे H2 यूज़ किया फिर उसके बाद H6 यूज़ किया, अगर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चले हम H1 फिर अगर कहीं पे H1 यूज़ किया अगर उसके बाद हमें उससे छोटा यूज़ करना है तो H2 यूज़ करें तो वो बेटर रहता है। और ये जो हेडिंग टैग्स है ये हमेशा यूज़ करने होते हैं फॉर द हेडिंग्स ओनली, जो इनमें टेक्स्ट होता है, सपोज वी हैव अ हेडिंग एंड देन वी कैन हैव सम टेक्स्ट, देन वी कैन हैव सम टेक्स्ट, सपोज वो टेक्स्ट हम पी में लाएंगे, पैराग्राफ, प्लीज पैराग्राफ से हम एक पैरा कोई भी टेक्स्ट लिखें, तो हम लिखेंगे हियर सम टेक्स्ट हियर एंड सम मोर टेक्स्ट। तो जैसे हम एक हेडिंग का टैग ओपन और क्लोज करते हैं, ऐसे ही पैराग्राफ का टैग है जो कि हम एक टेक्स्ट पैराग्राफ लिखने के काम आता है और उसको भी क्लोज करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, ऑब्वियसली ये जो हेडिंग 1 बड़ा है उसके बाद टेक्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ मतलब ये ज़रूरी एक याद चीज़ रखनी है कि हेडिंग का जो टैग है वो हमेशा जो हमारे हेडिंग्स होती है, क्योंकि हेडिंग्स हमारी छोटी होती है, जैसे हम कोर्स के बारे में बात करें, सपोज वी आर थिंकिंग अबाउट HTML कोर्स, ठीक है, तो हम इसमें जो है HTML कोर्स जो है ये हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग टैग में लिखेंगे, और जो हमारा बाकी टेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो पैराग्राफ में लिखें, उसको बड़ा करने के लिए हेडिंग टैग यूज़ ना करें। हेडिंग टैग ओनली ओनली यूज फॉर द हेडिंग्स, क्योंकि हेडिंग अगर हम सारा का सारा टेक्स्ट हेडिंग टैग में लिखेंगे बड़ा करने के लिए तो वो एक नॉट रिकमेंडेड है, वो रिकमेंड नहीं किया गया है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और एक और चीज़ है, जो हमारी हेडिंग्स होती हैं, चाहे जो भी हमारी पेज में हेडिंग्स होती है, सर्च इंजन्स इन हेडिंग्स को सर्च करते हैं, सपोज़ किसी ने सर्च किया फॉर HTML कोर्स, अगर हमें इसको एक हेडिंग में रखा है तो बेटर रहेगा वो करना, क्योंकि सर्च इंजन इससे ये पता कर पाएगा कि यहाँ पे ये जो पेज है इसमें कुछ डिफाइन किया गया हो अबाउट, डिफाइन किया गया है अबाउट HTML कोर्स,
तो ऑब्वियसली इसको इंडेक्स करेगा सर्च सर्च में जो उसको दिखाएगा, ठीक है। और ये भी एक चीज़ याद रखें कि खाली हेडिंग्स के लिए टेक्स्ट को बड़ा करने की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमारे पास स्टाइल्स है, या अगर हेडिंग वन जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके कुछ साइज़ है, जैसे हम यहाँ पे भी देख रहे हैं इसके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइज़ है, इसके डिफ़ॉल्ट कुछ साइज़ हैं, इनको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टाइल जो कि हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए तो हम इनको बाय डिफ़ॉल्ट में ही रख रहे हैं जो इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो थे हेडिंग टैग्स जो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम H1 और ख़त्म हो रहे हैं H6 से। यहाँ पे हम याद रखेंगे, फिर से मैं बताता हूँ, H1 इज़ द बिगर वन, इसका बड़ा फॉन्ट आता है, और जैसे हम आगे जाते रहते हैं नीचे जाएंगे तो फॉन्ट जो है छोटा होता जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ वी हैव अ टैग हियर कॉल्ड एज HR टैग, ठीक है। ये एक सिंगल टैग है जो कि स्टार्ट भी होता है और क्लोज भी होता है खुद से ही, क्योंकि इसमें कोई जो है कंटेंट नहीं होता है। तो ये HR है क्या? इट इज़ ए हॉरिजेंटल लाइन, HR का जो टैग तो HR का टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया। HR का जो टैग हमारे पास है ये काम आता है हमें हॉरिजेंटल लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने एक HR यूज़ किया तो एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन डिस्प्ले होगी, जैसे हम ये इसको कॉपी करके कहीं और भी, सपोज H1 के बाद हम एक हॉरिजेंटल लाइन चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने एक लाइन ड्रा की और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा की। तो ये एक्चुअली लाइनेस हम बहुत से तरीकों से, हम हमारे पास बॉर्डर्स का भी ऑप्शन होता है जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए एक दो चीज़ें थी आज, एक तो है हमने सीखा आज कि कैसे टेक्स्ट का जो हम पहले टेक्स्ट पे काम करेंगे तो पहले कैसे टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम अक्सर हमारे पेज में बड़ा, अब सपोज़ हम अपनी वेबसाइट के बारे में बोलते हैं, अबाउट अस की वेबसाइट के बारे में क्या है, या हम जो भी हमारी वेबसाइट का कंटेंट होता है तो उसके बारे में डिफाइन करते हैं, तो उस डिफिनीशन के पहले हम हेडिंग एक देते हैं। तो वो हेडिंग के लिए आप याद रखोगे कि हेडिंग के लिए हम हेडिंग टैग यूज़ करने हैं जो कि H1 से स्टार्ट होकर H6 पे जाते हैं। और अगर हमें एक लाइन ड्रा करनी हो हॉरिजॉन्टल लाइन फुल विड्थ में, तो हम HR यूज़ करते हैं। HR का यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये एक सिंपल एक ही टैग है, ये खुद से ही स्टार्ट होता है और खुद में ही बंद होता है। जैसे मैंने इसको स्टार्ट भी किया, बंद भी किया। इसमें दूसरी लाइन, दूसरा जो टैग एडिंग टैग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं होता है कुछ, ये खुद में एक लाइन ड्रा करता है, हॉरिजॉन्टल रूल एक लाइन ड्रा करता है, कोई कंटेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो था आज जो हमने सीखा बेसिक्स कुछ चीज़ों के बारे में, कि हम बॉडी का भी देख रहे हैं, बॉडी के बारे में देख रहे हैं। तो बॉडी के बारे में आज हमने देखा, पहली हम टेक्स्ट पे आएंगे कि डिफरेंट टेक्स्ट कैसे हम लिखा जाए। तो टेक्स्ट पे जो है पहली चीज़ हमारे पास है वो है एक हेडिंग टैग्स, जो हम हेडिंग टैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट में एक और चीज़ें भी है, जैसे अभी हमने यूज़ किया वी हैव अ पैराग्राफ टैग, वी हैव अ पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग में हम पी स्टार्ट भी होता है और पी का क्लोज भी करना होता है। तो डिफाइन द पैराग्राफ, जो भी हमारे बहुत सारा हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो जैसे हेडिंग लिखी ऊपर, किसी की हेडिंग लिखी हमने, सपोज विल डू इट लाइक दिस, अबाउट कोर्स। अगर हम कोर्स के बारे में बता रहे हैं तो हेडिंग अबाउट कोर्स तो हमने बता दिया कि ये तो हम लिख रहे हैं अब कोर्स के बारे में। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट कुछ,
तो मैंने जो यहाँ पे पैराग्राफ टैग पी टैग यूज़ किया उसको क्लोज, तो इसके अंदर कंटेंट होता है, इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट होता है, तो टेक्स्ट मैंने लिखा जो भी आपको लिखना हो। अगर हम इसको रिफ्रेश करें यहाँ पे अपने पेज में, हमारे पेज में आ गया अबाउट कोर्स, तो एक हेडिंग बन गई अबाउट कोर्स H1 मैंने यूज़ किया यहाँ पे। फिर पी टैग से पैराग्राफ टैग से जो भी मुझे इसमें कंटेंट लिखना है, चाहे 10 लाइन्स का हो 20 लाइन्स का हो, मैंने यहाँ पे छोटा सा ही कंटेंट लिखा। आपको जैसे आपकी ज़रूरत हो तो आप यूज़ करें, जैसे मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करूँ बड़ा सा टेक्स्ट लिखूँ तो ये भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली हमारा जो टेक्स्ट होता है वो ठीक ठाक बड़ा होता है, जब हम किसी के बारे में डिफ़ाइन करते हैं तो ऊपर हमारी हेडिंग होती है और उसके बाद हमारा जो होता है उसको डिफ़ाइन हम करते हैं। तो ये जो है लॉअर पेप्सम, या अगर हम लॉअर पेप्सम यूज़ करें डमी टेक्स्ट यूज़ करें, यहाँ पर मैंने एक सिंपल टेक्स्ट यूज़ किया, तो ये एक हेडिंग आ गई। देखो यहाँ पे एक हेडिंग आ गई, अगर हमारे सर्च इंजन को सर्च करना तो वो इसको सर्च करेगी, इसको देखेगी कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने हेडिंग यूज़ किया, अगर हम पी टैग को भी यूज़ करते थे करते यहाँ पर उसको बड़ा करते फिर टेक्स्ट यूजिंग स्टाइल्स, तो लेकिन वो हमारा यूज़फुल नहीं होता व्हेन हमारी जब हमारी इंडेक्स हो जाती, अगर हम चाहते कि हमारी सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट आ जाए, क्योंकि वो हेडिंग इसको ज़्यादा दिखती है, तो वो हेडिंग अगर उसे मिलती है तो फिर वो ओब्वियसली ये मान के चलता है कि हेडिंग के बाद जो टेक्स्ट लिखा होगा वो इसके बारे में ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये तो थे आज के दो इम्पॉर्टेंट टैग्स, जिसमें हमने हेडिंग टैग देखा और पैराग्राफ टैग देखा। पैराग्राफ का हमने देखा कि ये एक पैराग्राफ टेक्स्ट पैराग्राफ लिखने के काम आता है, जो जितना भी हमारे पास बड़ा हो, तो ओब्वियसली अगर हम एक और पैराग्राफ इसके बाद यूज़ करें, सपोज वी आर यूजिंग अनदर, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं फिर से, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर इसने एक ओब्वियसली एक पैराग्राफ दे दिया, एक जिसको हम गैप भी बोलते हैं, इसने एक गैप दे दिया और नए से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट किया, ठीक है। तो इट डिफाइंस कि हमारा जो टेक्स्ट में है टेक्स्ट है टेक्स्ट हम बेसिकली बेस जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हम या तो हेडिंग्स में लिखते हैं, यानी हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं, और उसके बाद जो भी टेक्स्ट होता है वो हम पैराग्राफ्स में लेते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम और बात करेंगे अबाउट द पैराग्राफ्स एंड अदर थिंग्स जो भी हमें बेसिक्स है। तो पहले हम बेसिक के जो टैग्स है, मोस्ट ऑफ द टैग्स के बारे में हम बात करेंगे, उनका बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे, उनको उनका यूजेज बताएंगे, ताकि हम टैग से फैमिलियर हो जाए, जिस टैग की कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू डेवलप ए फुल वेबसाइट फुल वेब पेज यूजिंग ऑल द टैग्स। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।